नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज नामांकन दाखिल की जो प्रक्रिया है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस सबके बीच खास बात यह है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से उपचुनाव में प्रत्याशी को उतारा जाए और साथ ही साथ किस तरह से किस रणनीति के तहत जीत हासिल किया जाए। इसी को लेकर खुद ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी प्रत्याशियों के साथ नजर आएंगे। यानी कि मोर्चा जो है वो अब ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने संभाल रखा है और दोनों ही नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, ललन सिंह किस तरह से अपनी जो है वो शिरकत करेंगे और साथ ही साथ आरसीपी सिंह के साथ भी किन कौन कौन से मंत्री और नेता साथ रहेंगे, उनके इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव में आज जदयू की ओर से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू प्रत्याशी मंगलवार को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस मौके पर जदयू के दिग्गजों का बड़े स्तर पर जुटान होगा। बता दें कि जदयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अलग अलग मोर्चा संभालेंगे। एनडीए के मंत्रियों की मौजूदगी भी दोनों जगहों पर रहेगी। बता दें कि तारापुर में जदयू प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। जदयू की यह पारंपरिक सीट रही है। इस बार जदयू के राजीव कुमार सिंह को एनडीए ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान से जदयू के अमन हजारी के नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस संबंध में आरसीपी ने मुख्यमंत्री से विचार विमर्श भी किया है। आरसीपी सिंह के अतिरिक्त जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी कुशेश्वर स्थान में मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी, संजय झा, मदन सहनी के साथ भाजपा प्रतिनिधि के रूप में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और वीआईपी के प्रतिनिधि के तौर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। कुशेश्वर स्थान से जदयू के अमन हजारी एनडीए के प्रत्याशी है। इन दोनों जगहों पर एनडीए संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। तो जदयू की तरफ से नामांकन की जो ये प्रक्रिया है वो आज पूरी की जाएगी। आपको बताएं कि खुद ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। यानी कि पूरा मोर्चा अब पार्टी के नेताओं की तरफ से संभाला जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में जीत किस तरह से हासिल की जाए, इसको लेकर रणनीति भी एनडीए की तरफ से बनाई जा रही है। आपको बताएं कि 30 अक्टूबर को ये उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी की तरफ से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई। लेकिन सबके बीच आज एनडीए की तरफ से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। आपको बताएं कि इसके लिए खुद ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव का जब नतीजा आता है तो इसका फायदा किस पार्टी को मिलता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।